डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। हम लोग आज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 को डिस्कस कर रहे हैं और उसका टॉपिक द प्लेन, उसी में से एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स, क्योंकि छोटा कॉन्सेप्ट है। और आर्य शर्मा बुक में जो एक्सरसाइज है 29.10, देर आर ओनली 4 क्वेश्चन इन दैट एक्सरसाइज। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। सी, हमें क्या करना है, हमें टू पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना। प्लेन आपको दिखाई दे रही होंगी, जो प्लेन मैंने लिखा हुआ है। सी, अगर हम पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सो पहली बात, प्लेन कैसे पता लगेगा कि पैरेलल है, हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि प्लेन्स आर पैरेलल। जो डी आर्स है ना, यानी एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट्स हैं, या तो वो इक्वल होने चाहिए या रेशो में इक्वल, रेशो में होना चाहिए। सो अगर आपको फॉर्मूले की तरह याद करना है, तो उसका वर्किंग रूल या फॉर्मूला ऐसे याद कर लीजिए कि पहले दोनों प्लेन की जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उनको हम इक्वल बना देंगे, उसके लिए सुटेबल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। एंड देन द सिंपल फॉर्मूला, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन जो हो जाएगा, वो जाएगा उनके कांस्टेंट टर्म को डिफरेंस लेंगे और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मॉड इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहा है? सपोज इसमें से क्या करते हैं, हमने फर्स्ट प्लेन पे पॉइंट ले लिया, लेट एक्स वन वाई वन जेड वन, दिस इज द पॉइंट ऑन द प्लेन वन। तो अगर ये प्लेन वन का पॉइंट है, तो ये प्लेन वन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू जीरो। और वी कैन से कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन जो है वो माइनस डी के इक्वल हो जाएगा, माइनस डी वन इज ना, सो इट्स माइनस डी वन के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट हमने प्लेन वन पे लिया है, अगर इस पॉइंट से प्लेन टू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए, तो वही डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन होगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको डायरेक्ट पुट करते हैं, उस फॉर्मूले को लिख रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर राइटिंग द फॉर्मूला। सो हियर यू हैव द फॉर्मूला ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। विच फॉर्मूला वी अप्लाइड, कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, हमने एक पॉइंट से दूसरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया है। नाउ इसकी वैल्यू ऑलरेडी पहले प्लेन की हेल्प से कैलकुलेट किया हुआ है, इसको पुट किया जाए, किसके इक्वल है, माइनस डी वन के इक्वल है। सो वी आर गेटिंग डी टू बाई डी वन, डी टू माइनस डी वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वी पुट ए मॉड, हम मॉड पुट कर देंगे। एंड द सिंपल थिंग, वाई वी आर पुटिंग मॉड, क्यों मॉड पुट कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ सी द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में ओनली 4 क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मिड प्लेन। और क्वेश्चन नंबर 4, अगेन डिस्टेंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें एक प्लेन है 2x माइनस y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एंड द सेकेंड प्लेन इज 6x माइनस 3y प्लस 9z प्लस 13 इक्वल टू जीरो। सी फ्रेंड्स, ये इक्वेशंस में अभी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा इक्वेशन नंबर 2 जैसा हो जाएगा। ये रिवर्स बोले, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, इसको हमने 3 से डिवाइड किया है, तो क्या बन जाएगा, ये 2x माइनस y प्लस 3z प्लस 13 बाई 3 इक्वल टू जीरो। नाउ कोफिशियंट्स ऑफ बोथ दीज इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट है वो इक्वल हो गए। सो यही हमें क्या करना है कि जब भी हम इस तरह के प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब पैरेलल प्लेन का क्वेश्चन होगा, तो पहले एक्स वाई जेड के कोफिशियंट को इक्वल बना लेना है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन इज डी वन माइनस डी टू, तो एक माइनस 4 है और एक है 13/3। सो 13/3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सो हियर इज द आंसर ना, सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा है। सीधा अनदर वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 3, 4 माइनस 1 से पास करता है, और ये साथ में पैरेलल है एक प्लेन के, किसके, 2x माइनस 3y प्लस 5z
प्लस 7 इक्वल टू जीरो. ओके, सो पहले प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? नो चेंज, एक्स वाई जेड में कोई चेंज नहीं करना है और एक नया कॉन्स्टेंट पुट कर देना है. सो दिस इज द प्लेन पैरेलल टू दिस, ना इसके पैरेलल है. अब ये प्लेन किस पॉइंट से पास करें, उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए. सो 3 2 6, 4 3 12 एंड -5 प्लस के इक्वल टू जीरो. और के कितना आ रहा है? 17 6, सो इट इज 11. अब k को हम जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन पता लग गई. रिक्वायर्ड प्लेन से मेरा मतलब है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास और एक दूसरे प्लेन के पैरेलल. अब आपको इन दोनों प्लेनों के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो नाउ द क्वेश्चन बिकम सेम एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर वन. ना जैसा हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, 3 की जगह मैं 4 पहले ले रहा हूँ क्योंकि 4 भी ऐसा ही क्वेश्चन है. ओनली चेंजेस कि दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं. कह रहा है कि प्लेन आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 7 इक्वल टू जीरो एंड द अनदर प्लेन इज आर डॉट 2i प्लस 4j प्लस 6k प्लस 7 इक्वल टू जीरो. अगेन हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करिए. आइए सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी, हमें फॉर्मूले जैसे फीलिंग आने लगेगी क्योंकि हमने फॉर्मूला कार्टेशियन का बनाया हुआ है. सो नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म इट इज एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0. ओके, नाउ यू हैव टू इक्वेशंस ना. तो अब ये क्वेश्चन नंबर वन जैसा ही हो गया. आपको टू प्लेन गिवन है, इनके बीच में इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना. नाउ वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टू प्लेन्स है. एक है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 9 इक्वल टू 0. हमें इनका मिड प्लेन पता करना है. क्वेश्चन ऐसे हो गया, सो एक प्लेन ये है, हियर इज द टू प्लेन, इनके बीच में से जो प्लेन पास कर रहा है मिड में एक प्लेन, तो वो भी प्लेन तो इनके पैरेलल ही होगा. अब पैरेलल प्लेन का मतलब ये पोर्शन तो एक जैसा होना चाहिए, दैट इज 2x माइनस 2y प्लस j प्लस k, इज इट? सो दिस इज द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दीज टू गिवन प्लेन. लेकिन अब ये इन दोनों के मिड में आना चाहिए. सो नाउ अगर ये इनमें मिड में है, सो जो भी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है उस डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा. सी चेंजेस तीनों में क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है. इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये 3 पे है, ये 9 पे है. सो एक्चुअली दोनों के डिस्टेंस कितना है, 6 ना, तो जो हाफ होगा वो 6/2 हो जाएगा. सी नाउ द डिस्टेंस इज, जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये इसके हाफ में होना चाहिए. सो इफ दिस इज 6, सो नाउ इट इज ये कितना 3 होना चाहिए. तो 3 किस साइड से, अगर हम बड़े से जा रहे हैं तो माइनस कर लीजिए, छोटे से कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस कर लीजिए. जैसे ये 3 है ना, तो ये क्या होना चाहिए, 3 प्लस 3 6 होना चाहिए. और अगर जैसे माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा. सो आवर आंसर इज 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 6 इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेस. सो डियर फ्रेंड, इस छोटे से कॉन्सेप्ट में हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज आर डी शर्मा की 29.10 जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है और साथ में हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन. सी एज फार एज योर सीबीएसई एग्जामिनेशन इज कंसर्न, अगर आप मुझे रेटिंग देने के लिए कहेंगे तो इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लास्ट 15 ईयर्स में तो कभी नहीं आया है. सो बी श्योर अभी भी नहीं आएगा. लेकिन हाँ, अगर आप कंप्यूटर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन. और एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मुझे कोई पैरेलल प्लेन है और उसी गिवन पैरेलल प्लेन्स के एक पैरेलल प्लेन को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, लिखना है, तो मैं कैसे पैरेलल प्लेन को लिखूंगा जो कि एक गिवन डिस्टेंस पे है, वहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. जस्ट सिंपली सब्सक्राइब द चैनल. यहाँ पर आपको क्लास 12th के जो आपका स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड वीडियोस, क्वेश्चंस और जो भी पॉपुलर बुक्स हैं उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच.